कानपुर एकता हत्याकांड एक अनसुलझी पहेली बनता चला जा रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब वही आरोपी इस केस को गुत्थी बना रहा है। कानपुर में एकता हत्याकांड के आरोपी जिम ट्रेनर बिमल ने पुलिस रिमांड के दौरान जानबूझकर कई सवालों के जवाब नहीं दिए। कस्टडी रिमांड पर 24 पुलिसकर्मी शामिल थे। इसमें 6-6 पुलिसकर्मियों की अलग अलग टीम बनाई गई थी। टीमों ने उससे पूछताछ के दौरान 209 सवाल किए थे, लेकिन विमल ने इसमें से सिर्फ 87 सवालों के ही जवाब दिए। बाकी के सवालों पर वो चुप्पी साधे रहा या पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस सूत्रों के अनुसार 24 घंटे की कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस ने विमल का सामना 3 मनोवैज्ञानिकों से कराया था। साथ ही विमल से पूछताछ के दौरान बनाए गए वीडियो भी दिखाए। पुलिस के सवालों पर विमल के चेहरे पर बदलते भाव का अध्ययन करने के बाद मनोवैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट दी। उनके अनुसार पूछताछ के दौरान विमल के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव उभर रहे थे जैसे वो कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा हो। वो ढीठ है और उसने जानबूझकर कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। वो खास सवाल जिनके जवाब नहीं दिए गए, एकता के साथ वो कब से रिलेशन में था भी या झूठ बोल रहा है, हत्या का प्लान कब से दिमाग में बना, फरारी के दौरान किसने उसका साथ दिया, ऑफिसर्स क्लब में खुदाई के दौरान किस को जानकारी थी। आम तौर पर पहली बार हत्या के बाद आदमी घबराता है, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऑफिसर्स क्लब के पास की इमारत में लगे कैमरों में विमल सोनी की फुटेज क्यों नहीं मिली। एकता के परिवार को भी कई सवालों का जवाब नहीं मिला है। विमल ने एकता के परिजनों के पूछे गए सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन जहां वो फंसने लगता वहां चुप्पी साध लेता था। ये एकता के पति राहुल गुप्ता का कहना है। राहुल के अनुसार जब उसने विमल से पूछा कि एकता की हत्या क्यों की, तो उसने बताया कि उसे गुस्सा आ गया था। जब गुस्सा आने की वजह पूछी तो उसने कहा, मैं एकता को मारना नहीं चाहता था। इस पर राहुल ने जब पूछा कि एकता के मोबाइल और पर्स में ऐसा क्या था जो दोनों को ठिकाने लगाना इतना जरूरी था, इन सवालों पर विमल ने चुप्पी साध ली थी। विमल ने एकता के शव को जिस गड्ढे में दबाया था वो 2016 में पौधारोपण के लिए खोदा गया था। गड्ढा महज 3.5 फीट का था, जिसे विमल ने फावड़े व सब्बल से 2.5 फीट और खोद दिया। इसके बाद एकता के शव को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी, झाड़ियां और पत्तियां डाल दी। पुलिस ने फावड़े और सब्बल को ऑफिसर्स क्लब से बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने विमल की कार और घटनास्थल से बरामद रस्सी, चुनरी और सिर की हड्डियां फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी, ताकि ये पता चल सके कि घूंसा मारने के बाद विमल ने एकता का गला रस्सी से कसा था या चुनरी से। फॉरेंसिक टीम ने 24 जून को हत्या में प्रयुक्त कार में पड़ी पावदान की मिट्टी समेत अन्य साक्ष्य एकत्रित किए थे। अब वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने के दौरान फॉरेंसिक टीम ने विमल की कार का स्टीयरिंग गियर और ओपन हैंडल से स्क्रैच कर रिसीट कलेक्ट की। कार में मिली रस्सी, टूटा हुआ क्लचर, टूटी चूड़ियां और मैट की डस्ट भी कलेक्ट की। बारिश की वजह से विमल के फुटप्रिंट नहीं मिल सके हैं। कार में 2 अलग अलग फुटप्रिंट मिले, जिसे एक एकता और दूसरा विमल का माना जा रहा है। एडिशनल CP हरीश चंदन ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे विमल की कस्टडी रिमांड पूरी होनी थी। इससे पहले ही विवेचक धर्मेंद्र कुमार ने विमल का मेडिकल कराकर उसे जिला जेल में दाखिल कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार 48 घंटे रिमांड पूरी होने के बाद भी पुलिस अभी कई अनसुलझे सवालों के जवाब हासिल नहीं कर सकी है। हालांकि पुलिस के पास जो सबूत और तथ्य हैं, वो हत्यारोपी को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है। जरूरत पड़ी तो आरोपी को एक बार फिर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पूरी खबर इस पूरे हत्याकांड को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।